नमस्कार, WDA सोल्जर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विटामिन्स की कि विटामिन जो होते हैं वो हमारे एग्जामिनेशन के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होते हैं और किस किस तरीके से उनके क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो पहली चीज़ जो आज हम स्टडी विटामिन्स के बारे में बात करेंगे तो वो आपका Army GD के बारे में कि Army GD में किस तरीके क्वेश्चन बनते हैं, उनको टॉपिक को हम पढ़ेंगे किस तरीके से, ठीक है। इसी का होता है आपका Army NA। Army NA में भी आपकी अच्छी सी बायोलॉजी जो है वो एग्जामिनेशन में आपके पूछी जाती है। नेक्स्ट आपके एग्जामिनेशन में बात कर रहा हूँ Y ग्रुप एयरफोर्स जो होता है उसमें भी आपका जो बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है जितने भी आर्मी के आपके एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, और एयरफोर्स का एग्जामिनेशन होता है, उसके बारे में हम विटामिन्स की कैसे कैसे क्वेश्चंस क्या बनेंगे उसमें, उस पर हम बात करते हैं अभी। तो विटामिन्स में अगर हम सबसे पहला इसमें याद रखें तो सबसे पहले कि विटामिन्स की खोज किसने की, तो विटामिन्स की खोज जो है वो 1921 में फंक ने की थी, जिनको हिंदी में फंक कहते हैं या फिर उसमें फंक कहते हैं, ठीक है। विटामिन्स के बारे में ये आपको याद रखना है कि विटामिन्स जितने भी होते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, मतलब विटामिन्स ऊर्जा को नहीं देते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपके यहां से बन गए कि विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने की थी। नेक्स्ट हुआ कि विटामिन जो होते हैं वो आपकी ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं। विटामिन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं विटामिन। सबसे पहले होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन को कहते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो ADEK होते हैं। विटामिन ए वसा में घुलनशील, विटामिन डी वसा में घुलनशील, विटामिन ई वसा में घुलनशील और विटामिन के। तो ये चार विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। यहां से भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे और वो आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है या फिर इनमें से कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन है। दूसरा आपको याद रखना है कि जो वाटर सॉल्युबल होते हैं या फिर जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। तो दो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, विटामिन ADEK जो होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं। हमारा शरीर जो है वो दो विटामिन का सिंथेसिस या फिर उनका संश्लेषण करता है हमारे शरीर के अंदर। वो पहला होता है विटामिन डी जो कि सूर्य की रोशनी से आता है, ठीक है, और दूसरा होता है आपका विटामिन के। तो इन दो विटामिन का जो है हमारा शरीर खुद ही उनको बना लेता है या संश्लेषित कर लेता है उनको या फिर उनको सिंथेसाइज कर देता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं। तो विटामिन ए जो होता है उसका केमिकल नाम होता है रेटिनॉल। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि विटामिन ए का केमिकल नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। ये भी आपके एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से पूछा जाएगा विटामिन ए का केमिकल नाम। उसके बाद जो होता है कि विटामिन ए की खोज किसने की थी, तो विटामिन ए की खोज जो है वो स्टीनबॉक ने 1921 में की थी, ठीक है। तो विटामिन ए स्टीनबॉक 1919 आपको याद रखना है। अगर बहुत हायर लेवल पे क्वेश्चन बनते हैं तो एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है कि विटामिन ए की संरचना किसने ज्ञात की थी या फिर उसका स्ट्रक्चर किसने फाइंड किया था। तो स्ट्रक्चर जो है वो कैरियर ने 1931 में फाइंड किया था। तो ये दोनों सवाल भी इंपॉर्टेंट है और आप इनको याद रख सकते हो। अगला हम बात करते हैं कि विटामिन ए को जो है वो एंटी इंफेक्टेड या फिर प्रतिसंक्रमण विटामिन भी कहते हैं। आपसे सवाल एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि एंटी इंफेक्टिव विटामिन कौन सा होता है और उसमें चार ऑप्शंस आपको दे देगा, ABEK ऐसे करके आपको ऑप्शन दे देगा और आपको उसमें लगाना पड़ेगा कि कौन सा एंटी इंफेक्टिव जो है वो विटामिन होता है। तो वो विटामिन ए होता है। नेक्स्ट बात करें कि विटामिन ए जो होता है वो हमारे शरीर में उसका काम क्या होता है या किस चीज के लिए वो आवश्यक होता है। तो हमारा विटामिन ए जो होता है वो हमारी स्वस्थ आंखों के लिए या फिर जो सामान्य दृष्टि होता है देखने के लिए उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। और अगर ये आंखों के लिए इंपॉर्टेंस, तो अगर विटामिन ए की कमी होगी तो आंखों की ही डिजीज होगी। आंखों की डिजीज जो होता है उसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस या फिर उसे कहते हैं रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि कौन सा रोग होता है, तो आप कहोगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है जिसको कहते हैं हम नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब यहां पर देखो सोर्सेस के बारे में बहुत रेयरली क्वेश्चन बनते हैं। आपके Army GD का एक क्वेश्चन जो होता है ये पेट है कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या होता है, और उसमें हर एक सेट में आप देखोगे उसमें हमेशा आंसर जो होता है वो गाजर का होता है, कैरेट का होता है उसमें, ठीक है। तो आप सोर्सेस इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको आप याद कर सकते हैं कि पहला हो गया आपका गाजर, पपीता हो गया, मक्का हो गया और घी हो गया। ये जो है वो विटामिन ए की क्या है, सोर्सेज है, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन की हम बात करते हैं तो विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी का जो केमिकल नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल।
तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से अराइज हुआ कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम या फिर केमिकल नेम होता है वो कैल्सिफेरॉल। ठीक है, सबसे अच्छी चीज ये है कि विटामिन जो है, विटामिन डी को जो है वो कहते हैं गरीबों का विटामिन, क्योंकि गरीबों को जो चीजें ना मतलब फ्री में मिलती ना, तो उसको क्या कहते हैं कि गरीबों का। तो इसीलिए विटामिन डी को जो है वो गरीबों का विटामिन कहते हैं। तो बहुत सारे जितने भी आपके वनडे एग्जामिनेशन थोड़ा लो लेवल के होते हैं, उसमें यही सवाल पूछा था कि भैया इसमें से गरीबों का विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन डी को जो है वो गरीबों का विटामिन कहते हैं। ये सूर्य से प्राप्त होता है, मतलब ये कि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, मतलब इससे अच्छा स्रोत कुछ नहीं है, और शरीर जो है ये अपने आप में सूर्य के प्रकाश से इसको संश्लेषित या फिर इसको सिंथेसाइज कर लेता है। ठीक है, इसको एंटी रिकेट्स कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि एंटी रिकेट्स विटामिन कौन सा होता है, विटामिन डी होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें याद रखेंगे कि ये हड्डियों और दांतों के लिए जो है वो मजबूती के लिए, ठीक है, तो मजबूती के लिए कौन सा विटामिन डी जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। इसकी कमी से जो होता है वो बच्चों में रिकेट्स नाम का रोग होता है, जिसमें क्या होती है कि जो बोन्स होती है बच्चों की वो टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों में जो होता है वो बोन्स का टेढ़ा होना, दैट मीन्स कि विटामिन डी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है उनको, और उनको जो है रिकेट्स हो गया है। और वयस्कों में जो होता है वो ऑस्टियोमलेशिया होता है। ठीक है, तो वयस्कों में कौन सी डिजीज होती है, ऑस्टियोमलेशिया होता है, बच्चों में कौन सा होता है, रिकेट्स होता है। तो ये रहा आपका जितने भी चीजें हैं इसमें विटामिन डी के बारे में, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन ई की। तो विटामिन ई की जो है केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। ठीक है, अगर इसके हिंदी में लिखे हम तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर कि इसका नाम जो होता है वो क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। ठीक है, इसे जो होता है विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन, या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्यूटी विटामिन कहते हैं इसे। ठीक है, ये सवाल बहुत एग्जाम में आर्मी जीडी का तो रामबाण क्वेश्चन है ये, और यहां से बनता है कि ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, तो ब्यूटी विटामिन जो होता है विटामिन ई को कहते हैं। ये आपको याद रखना है, रट लेना है ऐसे ही इसको। ठीक है, इसकी कमी से जो होता है वो पेशियां नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इसकी कमी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो ब्यूटी विटामिन यहां से एक पूछा जा सकता है, टोकोफेरॉल जो होता है वो पूछा जा सकता है। स्रोत इसके जो होते हैं वो वेजिटेबल ऑयल आपका हो गया, वीट हो गया, और विनोला हो गया आपका। ठीक है, वनस्पति तेल गेहूं वगैरह जो है इसके सोर्सेज होते हैं। तो ये बातें आपकी हो गई यहां पर विटामिन ई के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के का भी जो होता है वो संश्लेषण हमारे शरीर के अंदर होता है। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि विटामिन के का जो होता है संश्लेषण कहां होता है, हमारे शरीर में होता है। तो सबसे पहले जो होता है वो विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन के का केमिकल नेम होता है फेलोक्विनोन होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने स्पेलिंग लिख रखी, याद करने की जरूरत नहीं है, फेलोक्विनोन इसको जो होता है वो केमिकल नेम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग का होता है इसका। तो विटामिन के जो होता है हेपरिन की मदद से हमारे शरीर में रक्त का थक्का, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, उसको बनने में जो होता है वो सहायता करता है। ठीक है, और अगर हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है या फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अगर आप मान लीजिए कहीं कट गए हैं या फिर आप छिल गए, तो आपका ब्लड फिर लगातार रेगुलरली जो है वो बहता रहेगा फिर वहां से। ठीक है, जितने भी तरीके के हैमरेज होते हैं, अगर विटामिन के आपके शरीर में नहीं होगा तो आपके हैमरेजेस का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए विटामिन के का होना बहुत जरूरी है। सबसे अच्छा स्रोत विटामिन के का पालक होता है, जिसमें आयरन होगा आपका। ठीक है, तो यहां पर आपको इतना याद रखना है कि फेलोक्विनोन कहते हैं रुधिर का थक्का बनने में। यहां से बस एक ही तरीके क्वेश्चन बनेंगे कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन जो होता है वो सहायक होता है, तो आप कहोगे विटामिन के जो होता है सहायक होता है। ठीक है, रासायनिक नाम हमने बता दिया, फेलोक्विनोन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी का केमिकल नेम होता है स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो यहां आप याद रखोगे स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो सबसे पहले खोजा गया है। तो यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं आपके आर्मी जीडी में या एनए में या फिर वाई ग्रुप में आपके, कि सबसे पहला खोजा गया विटामिन कौन सा है। तो सबसे पहले खोजा गया विटामिन आपका विटामिन सी है। ये दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो आपके दांतों और मसूड़ों से जो है वो खून निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और दांत हिलने लगेंगे,
फिर वो अपने आप जो है वो नीचे गिर जाएंगे। तो दूसरा ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये होता है कि इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है, जो हमने बताया दांतों मसूड़ों से खून निकलना, उस सारी चीज़ों उसको कहते हैं स्कर्वी डिजीज़ कहते हैं उसे, ठीक है। और इसका जो स्रोत होता है जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टे फल जितने भी होते हैं या रसीले फल जितने होते हैं, चाहे आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया या फिर आपकी मौसमी हो गई, तो ये जितने भी तरीके के होते हैं सिट्रस फूड या फिर खट्टे फल जो होते हैं, वो विटामिन सी के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप सिट्रस फूड लेते रहोगे तो फिर दांतों और मसूड़ों में कहीं कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B1, और इसके बाद जितनी भी आएंगी, विटामिन B1 हो गया आपका, विटामिन B2, B5, B4, B9, ठीक है, जितनी ये विटामिंस हैं, इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस राइज नहीं होते इन क्वेश्चन से। बस इसमें क्या है, आपको इन सबका केमिकल नेम बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, कि केमिकल नेम जो होता है वो कौन से विटामिन का क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन B1 का। तो विटामिन B1 का जो केमिकल नेम होता है उसे कहते हैं थायमिन, ठीक है, सीधा याद दिलाना कि विटामिन B1 इज नोन एज थायमिन, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि विटामिन जो होता है ये एक्चुअली विटामिन B1 जल में घुलनशील होता है, इसीलिए खाना पकाते समय जो होता है ये सबसे ज्यादा नष्ट होता है, ठीक है, याद रखना है। पाचन और भूख जो आपका होता है, डाइजेशन और आपकी भूख जो होती है उसको सामान्य रखने में विटामिन B1 बहुत ज्यादा अपनी भूमिका निभाता है, ठीक है। अगला काम करें हम अगर इसमें, कि इसकी कमी से जो होता है वो बेरी रोग होता है, ठीक है, विटामिन बी कमी के कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है इससे। और इसमें होता ही है कि जैसे हमने कहा ना कि भूख सामान्य करना या भूख को नियंत्रित करता है, तो इसमें होता ही है कि भूख ना लगना, ठीक है, और सिर पैरों का जो होता है वो अधरंग हो जाता है, ठीक है। तो बस इतना इसमें याद रखना है, केमिकल नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। नेक्स्ट होता है विटामिन B2। विटामिन B2 का जो केमिकल नाम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना कौन सा, राइबोफ्लेविन याद रखना, कि विटामिन B2 क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि भैया सूर्य के प्रकाश में नष्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये जो है सूर्य के प्रकाश में नष्ट होना, जितने भी वाटर सॉल्युबल होंगे वो या तो तेज टेम्परेचर आप अगर उनको पका रहे हो या फिर अगर तेज सनलाइट आ रही है वो नष्ट हो ही जाएंगे यहाँ पर। ये बात आप एक मतलब बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लो, ठीक है। प्रोटीन वसा उपापचय शरीर की सामान्य वृद्धि, ठीक है, जितना भी प्रोटीन होता है या फिर फैट कोऑर्डिनेशन होता है या फिर जो हमारे शरीर की सामान्य वृद्धि होती है, उन सब के लिए जो वो विटामिन B2 जो होता है वो आवश्यक होता है। इसकी कमी से होता है, मान लो अगर विटामिन B2 राइबोफ्लेविन अगर कमी हो गई तो उसमें जीभ कॉर्निया में सूजन हो जाता है, होंठ जो होता है वो फटने लगते हैं, मतलब सूजन बहुत मोटी आपको महसूस होने लगेगी कि भैया हमारी जो जिह्वा है या हमारा टंग जो है वो बहुत मोटा हो गया, ठीक है। अगला बात करते हैं हम सिर्फ केमिकल नेम की, ठीक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपके GD में उठते नहीं हैं, और इम्पॉर्टेंट जितने थे वो मैंने आपको करवा दिए। इसमें सिर्फ जो है आपको करना यह है कि इनके केमिकल नाम आपको अच्छे से याद रखने, ठीक है। तो केमिकल नाम जो होता है वो विटामिन B5 आपको याद करोगे तो पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 का नाम पायरिडॉक्सिन, ठीक है, विटामिन B7 इसको कहते हैं बायोटिन, ठीक है, चाहो तो इसको आप हिंदी मीडियम वाले आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, बायोटिन भी लिख सकते हो आप इस, विटामिन B9 इसको कहते हैं फॉलिक एसिड, ठीक है, या फिर इसको फॉलिक अम्ल, ये होता है इसमें। विटामिन B12 इसको बोलते हैं साइनोकोबालामाइन, ठीक है, क्या कहेंगे इसे, साइनोकोबालामाइन, ठीक है। तो साइनोकोबालामाइन जो होता है वो कौन सा होता है, विटामिन B12 होता है। तो ये तो हो गया आपका पूरा कंप्लीट विटामिन्स, ठीक है, इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे, या फिर जो होता है वो आपको PDF के फॉर्म में हम अपलोड कर देंगे कि किस फॉर्म में जो होता है वो क्वेश्चंस आपके यहाँ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि भैया WDA सोल्जर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ आर्मी के जितने भी चाहे रैली भर्ती हो, आपका आर्मी GD हो, टेक्निकल, NA, ट्रेडमैन, क्लर्क, ठीक है, या फिर डिफेंस के लिए हो, तो
इससे बेहतर कुछ नहीं, आप हमारे साथ जुड़े रहें, जितने भी लेक्चर्स आते हैं आप उनको अच्छे से अगर पढ़ते रहेंगे, तैयार करते रहेंगे, तो जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन हैं वो सारे एग्जामिनेशन जो है वो आपके सबके सब अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।